सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। अध्याय दूसरा शुरू होता है वेदांत सार प्रकरण ग्रंथ रचयिता आदि शंकराचार्य जी। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत् वस्तुनि अवस्थाव आरोपः अध्यारोप। असर्प भूतायाम रज्जौ सर्प आरोपवत, जैसे रस्सी नहीं दिखी मिश्रित अंधेरा और प्रकाश के होने के वजह से, रस्सी सांप लगी। वस्तुनि अवस्तौ आरोपः, वस्तु रस्सी तो थी, अवस्तुनि सांप तो था नहीं, सांप नाम की कोई वस्तु नहीं थी वहां पर, रस्सी थी। वस्तुनि अवस्तुनि आरोपः, वस्तु पर अवस्तु का आरोप हो जाना। आरोप मतलब टू पुट एन एलिगेशन ऑन समबडी, लाइक चोरी की नहीं, नहीं इसने चोरी की है, झूठा आरोप, जो उसने किया नहीं वो उसके ऊपर। चोरी जैसी कोई घटना उस व्यक्ति से हुई नहीं, पर चोरी का आरोप उस पर लग गया। ऐसे ही रस्सी थी, सांप था ही नहीं, पर सांप के होने का आरोप जो है वो हो गया। और इसी आरोप को आप यूं समझें कि जो आरोपित है सो झूठा है, और जो वस्तु होती है सो सत्य होती है। जो सर्प रस्सी में है नहीं, उस सर्प को आप किस जरिए से पकड़ सकते हैं या ये जान सकते हैं इसमें जहर था या नहीं था, कोबरा था, नॉन पॉइजनस था कि घास का था कि कैसा था। अब कोई सांप होए तो आप उसे पकड़े, कोई सांप था ही नहीं तो किसे पकड़ेंगे आप? और पकड़ने जाएंगे बड़ी हिम्मत करके कि हम पकड़ लेंगे, तो हाथ में तो रस्सी आएगी, सांप तो हाथ में आएगा ही नहीं। तो इसमें सांप हो गया असत्य और जो रस्सी है वो हो गई सत्य। सो वन इज रियल वन इज अनरियल, रस्सी इसमें रियल हो गई और सांप का जो भ्रम हुआ वो उसमें अनरियल हो गया। तो ये अध्यारोप के और अपवाद के चक्कर में क्या है, जो वस्तु है वो हमेशा सत्य होगी, जो उस पर आरोप हो रहा है माने जो भ्रम से दिख रही है वो हमेशा झूठी होगी। तो एक सत्य है एक असत्य है। असत्य भ्रम से दिखता है, सत्य वस्तु से होता है, पर वो भ्रम के कारण दिखता नहीं है। इसी को अध्यारोप कहते हैं। वस्तु सच्चिदानंदम अद्वयम् ब्रह्म अज्ञानयादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अब इस अध्यारोप और अपवाद के बात को और आगे बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं इसमें सत्य क्या है, अस्तित्व है किसका, सच्चिदानंद का। पर इस सच्चिदानंद रूप वस्तु
को तो देख नहीं पा रहे, इसीलिए भ्रम से अज्ञान आदि सकल जड़ समूह जो है, एक शब्द में कहें तो सारा संसार दिख रहा है। जब हम सारा संसार कहते हैं ना दिख रहा है, तो याद रहे जिन नेत्रों से तुम देख रहे हो वो नेत्रों की भी बात इसमें है। जिस शरीर में वो नेत्र लगे हैं वो शरीर भी असत्य है। इस शरीर के पीछे नेत्र में, नेत्र के पीछे जो मन काम कर रहा है सो मन भी असत्य है। जिस बुद्धि से समझ रहे हैं सो बुद्धि भी असत्य है। आमतौर पर क्या होता है, लोग स्वयं के शरीर को, मैं को, इसे तो मैं मान लेते हैं और फिर कहते हैं अच्छा अब एक है परमात्मा और एक है संसार, परमात्मा दिख नहीं रहा संसार दिख रहा है, और खुद एक तीसरे बन जाते। आप तीसरे नहीं हैं, दो ही वस्तु हैं यहां। विवेक क्या था, नित्य और अनित्य का विवेक, तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं। सैफ गो इन अ सीक्वेंस, तो ये जितने लोग इधर दीवार के साथ पीठ लगा के बैठे हैं वो सब दीवार छोड़ दीजिए, हमारी दीवार बहुत कमजोर है, आपकी पीठें बड़ी मजबूत है। लीव द वॉल, प्लीज डोंट टेक द सपोर्ट ऑफ वॉल, सिट स्ट्रेट विद योर स्पाइन स्ट्रेट। इंद्रियां नित्य के अनित्य, मन नित्य के अनित्य, बुद्धि नित्य के अनित्य, आत्मा नित्य के अनित्य, नित्य। तो दो ही तो हुए यहां पर, एक नित्य है एक अनित्य है। जब हम कह रहे हैं कि वस्तु सत्य है और भ्रम से जो प्रतीत होता है सो अनित्य है, तो यहां हम वस्तु किसको कह रहे हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म को, और उस पर जो आरोप अज्ञान से भ्रम से हुआ उस अध्यारोप को ही तो हम संसार कहते। इसलिए शंकराचार्य का जगत प्रसिद्ध ये श्लोक, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, ब्रह्म ही सत्य है जगत सारा मिथ्या है। देखो जब हम ये कह रहे हैं ना ये असत्य है असत्य है, तो कई बार लोगों को लगता है कि अगर असत्य है तो फिर तो दिखना भी नहीं चाहिए। बांझ स्त्री का बच्चा होता नहीं, वेदांत में अक्सर यह उदाहरण भी दिया जाता, बोले बांझ स्त्री का बच्चा नहीं होता, लेकिन आज के समय में IVF होता है, सरोगेसी होता है, सब कुछ होता है, पर मान लो IVF नहीं हुआ, सरोगेसी नहीं हुआ, हाँ तो कह रहे अब बांझ स्त्री का पुत्र कहाँ है, बोले है ही नहीं, जो है ही नहीं वो दिख नहीं रहा। तो जो चीज होती नहीं है वो दिखती भी नहीं, पर यह बात बहुत बड़ी झूठ है। कुछ भ्रम तो रस्सी और सांप जैसे हैं कि आपने रोशनी से देख लिया और लगा यहाँ तो रस्सी है सांप है ही नहीं, पर तुम्हें मालूम वो प्लास्टिक का सांप होता है, बच्चे खेलते हैं। अब वो प्लास्टिक का सांप आपके ऊपर किसी ने फेंक दिया, दिन का उजाला हो, ये ट्राई करके देख लेना नहीं था। ऑनलाइन ऑर्डर करो, नकली सांप मंगाओ, जब आ जाए घर में जो हो, पत्नी माँ बाप भाई बहन पीछे से ऐसे जोर से उन्हीं के ऊपर फेंक देना और चिल्लाना चीख मार के सांप, फिर देख लेना। ना अंधेरा होगा, न रस्सी में सर्प का भ्रम होगा, ये वाला सांप तो सही में चीखे निकलवा देगा। अब वो प्लास्टिक का सांप सांप नहीं है, पर सांप जैसा डरा तो सकता है। अच्छा आजकल ना ये बड़े सारे खिलौने आजकल थोड़ा क्या इलेक्ट्रॉनिक आ गए, तो उसके अंदर एक वायर लगा देते हैं और वो ऐसे रिमोट से चल जाता है, तो सांप हिलेगा भी, राइट, वो सांप हिलेगा भी, वो ऐसे ऐसे उस अपनी मुंडी भी यूं यूं करेगा, लेफ्ट राइट करेगा। और ये भी हो सकता है कि ऐसा भी तुम्हें मिल जाए जो हिस करके आवाज भी निकाले। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं अगर ऐसा सांप आपके हाथ आ जाए तो कोई भी उससे भयभीत हो जाएगा, कोई भी उससे भ्रमित हो जाएगा, नकली है पर डरा पूरा देगा।
एक गांव से आया आदमी दोस्त को मिलने। दोस्त कहता चल तुझे मॉल घुमा के लाता हूँ। ले गया मॉल। अब वो गांव वाले ने ऐसा मॉल वॉल तो पहली बार देखा, तो वहाँ शोकेस में के कांच के शोकेस थे ना, तो शोकेस में पड़ा हुआ सामान देखते देखते ऐसे, तो वो अंदर मुड़े, अंदर मुड़े तो वो मॉल में वो पुतला सा रखते ना मैनेक्विन, तो वो एक साड़ी पहनाया हुआ एक मैनेक्विन था, तो वो ऐसे लग गया, बहन जी माफ करना बहन जी माफ। तो दोस्त कहते पागल हो गया है, यहाँ बहन जी कोई नहीं है। बोले नहीं नहीं देखो बहन जी है, अभी गलती हो गई तो माफी मांगना है। बोले भाई यहाँ बहन जी नहीं है, साड़ी हटा के देख ले नीचे पुतला है। तो दिमाग खराब हो गया है, साड़ी के नीचे पुतले होते हैं क्या? अब नकली मैनेक्विन में असली औरत का भ्रम हुआ या नहीं? अच्छा एक और उदाहरण सुनो। देखिए रस्सी सांप के पुराने हो गए, हम आज की सदी के वक्ता हैं तो आज का उदाहरण देंगे। मल्टी लेवल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होते हैं ना, तो ऐसे एक बिल्डिंग में तीन चार दोस्त मस्करी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। इतने में सामने वाली बिल्डिंग में देखा एक वो लाल सा कुछ पहना हुआ है, वो बड़े सुंदर बाल, तो वो बाल ऐसे तौलिए से पोंछ रही थी। तो मन में आया अरे वाह 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 वाह, बोले ये तो मेरी है। दूसरा बोले नहीं मेरी, तीसरा बोले नहीं मेरी। वो देख रहे हैं और बड़ा दिमाग में मैं वो क्या करूं, मैं कैसे पता लूं, मैं फ़ोन नंबर, बोले मेरे को कोई मिलती नहीं है, ये तो अब नज़दीक है, मैं इसको ज़रूर पीछा करूंगा, तुम देखे ना। बोले इतने में वो ऐसे मुड़ी, मुड़ी तो वो सरदार जी थे। सरदार जी संडे को बाल धोते हैं, वो अपना बेदिंग गाउन पहना हुआ था। इन्होंने जब देखा तो क्या दिखा, लंबे बाल दिखे, लाल रंग का कपड़ा दिखा, तो क्या लगा कोई लड़की है। तो मन में कैसी कैसी इमोशंस जगी होंगी ना, नहीं मन में कैसे कैसे ख्याल जगे होंगे, गंदे वाले ख्याल जगे होंगे। पर जब घूमा तो पता चला ये तो पुरुष है, ये तो स्त्री है ही नहीं। अब जितने बार वो बंदा कहीं दिख जाए बोले तेरे वाला आया। बोले नहीं तेरे वाला है, मेरे वाला नहीं है। तो सामने देख करके भी भ्रम हो जाता है। तो असत्य वस्तु दिखती नहीं है, ये सही परिभाषा नहीं है। असत्य होने पर भी दिख सकती है। जैसे आपको आसमान का रंग नीला दिखता है जबकि आसमान तो नीला है नहीं। नीला हो तो शाम को काला कैसे हो जाए, काला ही हो तो ग्रे कैसे हो जाए, ग्रे ही हो तो कभी कभी सूर्योदय या सूर्यास्त पे वो बिल्कुल लाल, या थोड़ा आप नॉर्थ चले जाइए रॉकीज कैनेडियन साइड में, या इधर फिनलैंड जो ऊपर के यूरोप के क्लोजर टू द नॉर्थ पोल जो है, वहाँ तो आसमान गुलाबी भी हो जाता है, बैंगनी भी हो जाता है, पर्पलिश भी हो जाता है, माने अमेजिंग कलर्स आर हैपनिंग, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी जहाज में बैठ के ऊपर चले जाएं तो वहाँ ना गुलाबी रंग है, ना नीला रंग है, ना ही कोई और। तो हमें यहाँ भारत से नीला आसमान दिख रहा है, क्या आसमान नीला है? नहीं है, फिर भी दिखता। तो असत्य वस्तु दिखेगी नहीं, ये बात सही नहीं। असत्य होने पर भी वो नजर आती है। ऐसे ही ये संसार शरीर सहित ये संसार सारा असत्य है, ये अध्यारोप है, पर फिर भी नजर आता है। अब देखिए इस असत्य को जो सत्य माने वो भ्रम से भूल से दुख के एक बड़े कुचक्र में पड़ जाएगा, और जो सत्य को जान ले और असत्य क्या है ये पहचान ले, वह व्यक्ति मोह जाल के सभी कुचक्रों से बाहर आ जाएगा।
जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, था तो वो सरदार जी, दूर से लगा लड़की है। और सोचो, थोड़ा पॉज कर लें अगर इस स्टोरी में, कि तीनों ने जैसे तैसे उसका फोन नंबर ले लिया और तीनों ने उसको प्रेम के संदेश भी भेज दिए। और मान लो वो सरदार जी थोड़े खुराफाती होते, वो वापस जवाब भी दे देते, हाँ हाँ मिल लूंगी, कहाँ मिलना है। हाँ, एक को कॉफी पे बुला ले, दूसरे को है ना गोला खाने बुला ले, तीसरे को कहीं पार्क में मिलूंगी, और वो तीनों अलग अलग जगह में पहुंच जाए और वहां कोई है ही नहीं। कहानी थोड़ी आगे बढ़ानी चाहिए ना भाई, थोड़ी छोड़ देंगे, क्योंकि आपके संसार की कहानी ऐसे ही तो बढ़ गई है। था सत्य पर सत्य दिखता है, था देह असत्य। आज एक छोटी सी बात तुम्हें अपनी सुनाते हूँ। पैर साफ करने के लिए आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रबर सा आ गया है, राइट? आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड लीगली। तो वो चार्ज होता है, पहले सेल वाले आते थे, अब चार्ज हो जाता है। तो चार्जेबल वो पैर को डेड स्किन निकालने वाला एक इंस्ट्रूमेंट था। तो आज सुबह बड़े दिन बाद मैंने कहा थोड़ी चरणों की सेवा ही कर लें, बहुत कीमती चरण है। तो दाएं चरण को गोदी में रखा और उस मशीन के साथ क्या है, मैंने उसके वो प्यूमिक स्टोन लगा रहे थे ना, बड़ी स्पीड से वो घूमता है, तो वो स्पीड से घूमे प्यूमिक स्टोन, तो ड्राई स्किन जो है वो बिल्कुल धूल के कण बन के एक पाउडर जैसा उड़ रहा था। हुआ ये कि पूरे कमरे में अंधेरा था, इधर मेरे लैंप जला हुआ था, तो लैंप की रोशनी में वो डेड स्किन के कण बड़े मैजिकल से दिख रहे थे, ऐसे ऐसे उड़ रहे थे। तो इधर पैर साफ करते चले गए और इधर हंसी आती गई, मैं कहा देखो गुरु माँ उड़ रही है, गुरु माँ उड़ रही क्यों पैर से लगी तो वो स्किन पैर थी। तो जिसे आप गुरु मां कह रहे हो तो उसमें पैर भी है, हाथ भी है, बाल भी है, सब कुछ है ना। तो इधर हम एड़ी साफ कर रहे हैं और ड्राई स्किन बिल्कुल व्हाइट पाउडरी शो करके आज इस शरीर ने बड़ा हंसाया हमें सुबह सुबह, और वो भी खास कर दाएं चरण ने। कुछ खास बात है दाएं। थोड़े समय पहले वो मैं था, पूरा शरीर मैं तो पैर भी मैं, पैर में तो पैर में जो स्किन है वो भी मैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सात धातुओं का शरीर, सातों को तुम कहते हो मैं, और यहां धूल में उड़ रही मैं। अब वो इतनी बारीक है, वो कहां गिरी तुम कैसे इकट्ठी भी ना कर सको, कि तुम झाड़ू मार के उसे इकट्ठा कर लो, ये भी ना होगा। तो ये रस रक्त मांस अस्थि मेद मज्जा शुक्र का ये सात धातुओं का शरीर प्राण के द्वारा एक स्थान पर एकत्रित प्रतीत होता है और उसे तुम कह रहे हो मैं, और प्राण ऊर्जा इसमें से निकली और सातों धातु बिखर गए तो तुम किसको मैं कहोगे। बौद्ध मत पूरा इसी बात के ऊपर अटक गया कि ये धातु और मन मिले तो मैं बनी है, ये धातु और मैं मन अलग हो जाए तो मैं नाम की कोई वस्तु ही नहीं, सब तो शून्य है। सो एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ एम्प्टीनेस। इवन इन द मॉलिक्यूल इफ यू गो डीप इन टू दैट यू विल फाइंड एम्प्टीनेस। इफ यू डिग डीप इन टू द सेल इन द न्यूक्लियस There is nothing, there is again emptiness. So बौद्ध धर्म कहता है सब कुछ शून्य से पैदा हुआ है। एक क्षण में वस्तु दिख रही है, दूसरे क्षण में वस्तु वो है ही नहीं। कुछ नया था वो जो जोड़ हुआ धातुओं का और पदार्थों का, तो जो बदलता जाए क्षण क्षण में, इसलिए बौद्ध धर्म को हम क्षणिकवाद भी कहते हैं। क्षण माने इन अ सेकेंड, इन अ मिली सेकेंड इट इज देयर एंड देन इन मिली सेकेंड इट इज नॉट देयर। तो देह असत्य
पर असत्य होने के बावजूद भी दिख तो रही है। तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जीभ से बोल रहे हो, आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, पांव से चल रहे हो, हाथ से कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है इस शरीर से। पर प्राणहीन शरीर हो जाए तो, अचिता में भस्मीभूत हो जाए तो क्या निकलता है? तुमने देखा ही होगा, कई मुर्दे फूकाए तुम, पता नहीं कितनों को मार दिया, कितनों को कंधों में चढ़ा के तुम छोड़ाए, कितनों को आग लगा दी और कितनों की हड्डियां गिनाए। और हड्डियां नहीं बोलते, बोले फूल हैं। मैं कैसे फूल हैं ये? वो बार बार बोले ना दादाजी के फूल लेने जाने दादाजी के, तो पोता बोले दादाजी के फूल फिर घर लेके आना सीधे गमले में लगाएंगे। बोले बेटा ये वो फूल नहीं है जो गमले में लगे। कहता अच्छा तो फिर हम वो एक अच्छे से क्रिस्टल ग्लास वेश में रख देंगे, ड्राइंग रूम में सजाएंगे। बोले नहीं ये फूल वो भी नहीं है जिसे किसी फ्लावर वेश में रखा जा सके। तो बोले क्या है फूल, क्या है, कैसा फूल है? फिर बाप ने समझाया बेटा वो जो छोटी मोटी छोटी छोटी हड्डियाँ जो बचती हैं ना वो इकट्ठी करेंगे। कहते हैं वो मत लाना घर में, हम सब शाकाहारी हैं, हमारे घर में मांस मूस हड्डी हुड्डी कुछ नहीं आता। बोले वही तो हम कह रहे हैं, ले जाएंगे और हरिद्वार गंगा जी में डालेंगे। वैसे आप सोच के देखिए इस देश में कितने लोग मर रहे हैं रोज, कितनों की हड्डियां पैक होके हरिद्वार जा रही हैं और गंगा जी में पड़ रही हैं। काहे गंगा जी का सत्यानाश कर रहे हो तुम? देखो गंगा जी से मोहब्बत है तो जब तक ये शरीर चल रहा है ना जाइए, हर की पैड़ी नहाइए। हर की पैड़ी क्यों? अभी हम ऋषिकेश से जब लौटे ना दिसंबर शिविर के बाद, तो मन हो रहा था मैं ऋषिकेश तो हला आश्रम के सामने ही गंगा है, पर फिर लगा चलो ये वाली गंगा भी अच्छी, पर हम हर की पैड़ी नहीं जाएंगे, बड़ी भीड़ भाड़ होगी, लोग पहचानेंगे, बैठने भी न देंगे। तो रास्ते में एक जहाँ मोड़ आया, किसी एक मोड़ पे हमने गाड़ी रुकवाई और उतर के किनारे किनारे चल के एक अच्छी सी जगह और बड़ी प्यारी जगह ढूंढी। कौन सी वो तो हम बताएंगे नहीं तुमको कि कौन सी है, पर ये वो जगह ऐसी प्यारी है कि हम कभी भी जाएं और वहाँ बैठे और आनंद से स्नान करें कि आचमन करें कि जो भी करें। तो शरीर जिंदा है तो जरूर जाओ, गंगोत्री जाओ, गोमुख जाओ, बहुत अच्छी बात है। पर शरीर मर जाए ना तो हड्डियां मत डलवाना। देखो मैं आज दो बातें कह रही हूं, एक शरीर मर जाए तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में शरीर का पैकअप करवाना। एक पूरा पेड़ कटता है एक मुर्दे को जलाने के लिए। आज तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे लिए सांस लेने को हवा में ऑक्सीजन नहीं रह गई है, इतना बुरा हाल है। पेड़ कट गए हैं इसलिए देखिए इस बार बारिश भी नहीं हो रही, बारिश की जगह चक्रवात हो रहे, साइक्लोन्स हो रहे। आइए हम आप सब मनुष्यों की जिम्मेदारी है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जहाँ जगह मिले वहाँ लगाएं, पब्लिक जो जो डोमेन की जगह होती हैं, पार्क्स होते हैं कहाँ, और नहीं तो अपने घर की छतों पे थोड़ी हरियाली कर लीजिए, गमलों में बीज डाल के तुम अपनी सब्जियां भले उगा लो, पर जहाँ हरियाली आ जाती है वहीं पर इस हरे हरे वनस्पति की वजह से ऑक्सीजन अच्छी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो मरे कोई तो ये एक संकल्प लेकर के जाइए। अगर हम कुछ मुनि टाइप के होते तो हाथ खड़े करके तुमसे कसम लेवाते और यहाँ माइक खड़ा करते और तुम बारी बारी मेरा नाम ये है, मैं शपथ खाता हूँ मैं मरूँगा तो अपने शरीर को पेड़ से कटवा के लकड़ी से नहीं जलवाऊँगा, तो हम तो वो प्रोग्राम कराते, पर उसमें देखो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम खोटी नहीं करने का है। तो आप समझदार हैं तो इशारा काफी है, तो समझिए इसको, परिवार में रिश्तेदारों में मित्रों में ये बात करिए, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम इस्तेमाल करिए। नहीं है अपने काउंसलर अपनी म्यूनिसपैलिटी पे जोर डालिए कि वो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम आपके यहाँ बनाए। एक ने कहा लो जी गति कैसे होगी? अरे दिमाग खराब, कर्म से गति होती है, वो पंडे के मंत्र बोलने से गति थोड़े होगी। और मंत्रों का बड़ा शौक है तो सत्य बात ये कह रही है, चतुर्वेदी ब्राह्मण ने ये बात कही थी कि जीते जी अपना श्राद्ध कर्म खुद कर लेना चाहिए, ये नियम है। लोग डरते हैं, हाय
मरने के बाद वाली रस्में हम अब कर लें, और पत्नी स्यापा डाल के बैठ जाएगी, हाय हाय ना करो ना करो। अब पत्नी करने लगे तो पति कहेगा, खबरदार तू मेरे मरे का मुंह देखे अगर तू ये करे तो, ड्रामे शुरू हो जाएंगे। पर इस ब्राह्मण ने ये बात कही थी कि ये वेद की आज्ञा है, अपने अपना श्राद्ध कर्म जीते जी स्वयं करो, अच्छा कर्म आप करो, मरते समय की रीति रिवाज जो भी कुछ होंगे उससे तुम्हारी गति स्वर्ग या नरक या भगवान का घर पता नहीं कहाँ बना के रखा है इन्होंने, वहाँ आपको मैंने ये एक्सपोर्ट कर देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। ये सब बकवास बात, जीते जी अपने अज्ञान का हनन करिए। कई लोग ऐसा भी सुना मैंने कि शरीर का संस्कार करते हैं लेकिन वो जो राख होती है, जो फूल फाल हड्डियां जो भी बचती हैं, उन्हीं के ऊपर 10-15-20 पेड़ लगा देते। ये कैसी अद्भुत बात है ना, एक शरीर अगर गया है तो उसके बदले में 10-20 पेड़ लगा दिए, और यहाँ आप नहीं, हमारी गति नहीं होगी, हम भूत बन के भटकेंगे, इसलिए हमें वो चिता की अग्नि में ही जलाया जाए, तो ये जिद करते हैं लोग। कभी आपने देखा है वह शमशान भूमि में वो जो लकड़ी पड़ी होती है, कितनी लकड़ी लग जाती, 80-80 किलो 70 किलो जाने कितनी लकड़ी, इतना हम बर्बादी करें तो अकलमंदी नहीं है। और वेदांत ज्ञान तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, भैया इस अनित्य देह के पीछे इतनी मगजमारी मत करो, डोंट वेस्ट टू मच टाइम। ये अनित्य शरीर के रहते रहते भीतर नित्य आत्मा को जानिए, और बस इस शरीर की उपयोगिता इतनी ही है। एक दफे आत्मवान हो गए, एक दफे आत्मबोध हो गया, फिर तो कहते हैं भाई तुम वेश्याले जुआ घर शराब घर के अंदर बाहर भी तुम मर जाओ तो भी तुम्हारी सदगति ही सदगति। क्यों? क्योंकि तुमने जाना मैं आत्मस्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, असल को जाना, सत्य को जाना। देह तो असत्य था, प्रतीत होता है और प्रतीत होगा भी। एक ने आधा ज्ञान समझा, बोले संसार ही असत्य है। अगले दिन आई सत्संग में तो माथे में पट्टी बंधी हुई थी, बोले क्या हो गया? कहा महाराज आपने माथा फोड़वा दिया हमारा, तो ये क्या बातें सुनाते हो, असत्य है असत्य है, हम तो दीवार से ही लगे थे निकलने, असत्य है माथा फोड़ लिया, ये काहे बोलते हो संसार असत्य है? बिल्कुल सत्य है, देखो खोपड़ी भी फूट गई। महाराज ये थोड़ी बोल रहे हैं कि असत्य है तो दरवाजे की जगह दीवार से तुम निकलना शुरू कर दो, और अगर संसार असत्य कह रहे हैं तो देह भी असत्य कह रहे हैं, देह भी असत्य कह रहे हैं तो देह के व्यवहार और वस्तु के जो स्वरूप है उसके तदनुसार व्यवहार करोगे। तो मूर्खों को ज्ञान सुनाना भी बड़ा खतरनाक होता है, और मुश्किल ये है अभी तक दुनिया में ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं बना कि तुम्हारे मुंह में डालें और वो कहे बेवकूफ है, बड़ा अकलमंद है, आइंस्टाइन का चाचा है, ऐसा थर्मामीटर ही कोई नहीं। मेरी तो बड़ी बड़ी प्रार्थना है समस्त प्रकृति और ईश्वर और जिसको भी समझ लो कि हमको एक ऐसा थर्मामीटर चाहिए और मुंह में रखने वाला ना हो, बड़ी मेहनत लग जाएगी, वाईफाई चले, हम वहां बाहर कहीं लगवा दें, वो जैसे होता ना सिक्योरिटी गेट है ना, तो वो स्क्रीनिंग कर देता है, ऐसे ही बंदा या बंदी आवे और वो वहाँ पे, अगर तो ठीक है माने एवरेज अकल है, चलो थोड़ी काम 60-70% तो ग्रीन सिग्नल होए, कोई गो इन गो इन गो इन, अगर होए कम तो जोर जोर से ना बीप 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 जोर से बजे, जाओ 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 जाओ, जाके अभी गायत्री मंत्र का जप करो, गायत्री का जप करो, त्राटक करो, प्राणायाम करो, अपनी अकल के ग्राफ को ऊंचा करो, ये वेदांत ज्ञान अभी समझ नहीं आने वाला। ये वेदांत ज्ञान समझ जल्दी नहीं आने वाला,
तो जब हम अध्यारोप कहते हैं तो अध्यारोप में जो दिखा सो असत्य, और जिसमें वो अध्यारोप हुआ वही सत्य है। दूसरे अध्याय के 34 श्लोक में अब अज्ञान क्या है उसको परिभाषित कर रहे हैं। व्हाट इज अज्ञान? देखिए बिल्कुल सटीक और एकदम संपूर्ण और लॉजिकल और रैशनल अब परिभाषा हमें प्राप्त होगी। अज्ञानम तु सद सदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भावरूपम यत किंचिदिति वदनति अहमज्ञ इत्याद्यनु अनुभवात्। अज्ञानम तु सद असद भयाम, जिसे हम अज्ञान कहते हैं ये है भी और नहीं भी, सद असद वो है भी और वो नहीं भी, क्योंकि ढूंढने जाओगे तो कोई वस्तु थोड़े ना है जिसे आप प्राप्त कर लोगे। नहीं है हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि अज्ञान छाया पड़ा है, अज्ञान अर्थात न जानना। अब इस न जानने को कह रहे सद भी है और असद भी है, इट एग्जिस्ट एंड इट डजंट इवन एग्जिस्ट। अंधेरे का कोई शरीर होता है क्या? अंधेरे को क्या आप स्पर्श कर सकते? अंधेरे को क्या आप सूंघ सकते? अंधेरे को क्या आप जीभ से चख सकते हैं? अंधेरे को क्या आप सुन सकते हैं? तो पांचों इंद्रियों से ग्रहण नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि अंधेरा नहीं होता है, पर फिर भी होता है, है भी नहीं भी। अब आप कहेंगे आंख से अंधेरा दिखा, अच्छा अंधेरा दिखा या वहां प्रकाश का अभाव था? अंधेरा नाम की कोई वस्तु है नहीं, प्रकाश के अभाव को हम अंधकार कहते हैं। तो अंधकार है भी और नहीं भी, ऐसे ही अज्ञान है भी और नहीं भी। सद असद भयाम अनिर्वचनीयम, वचन मैंने सेंटेंस बोलना, जिसको हम बोल के समझा सके वो वचनीय हुआ, जिसे हम बोल के समझा ना सके किसी वाक्य से उसको अनिर्वचनीय, बियॉन्ड द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स, वेयर द लैंग्वेज गोज हैंडीकैप, वेयर यू कैन नॉट स्पीक थ्रू वर्ड्स व्हाट इट इज। सो अज्ञान क्या है? अनिर्वचनीय है। त्रिगुणात्मकम, इस अज्ञान का जो स्वरूप हम कहें तो त्रिगुण होता है, त्रि माने तीन, तीन गुण माने सत्व तम और रजगुण, तीनों इसमें, तीनों कहां से आए? अज्ञान से। अच्छा अज्ञान है भी और नहीं भी, तो हम कह सकते हैं ये त्रिगुण है भी और नहीं भी, और इस त्रिगुण से बनी प्रकृति है भी और नहीं भी, और उसी त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना यह शरीर और संसार है भी और नहीं भी। देखो करा दिया ना ज्ञान। त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी, ये अज्ञान क्या है? ज्ञान का विरोधी है। देखिए कितनी खूबसूरती से एक एक शब्द कैसा खूबसूरती से वर्णित कर रहा है कि अज्ञान क्या होता है। आप बार बार बोलते रहो ये माया है, सब माया है, ये माया ने फंसा दिया है, तो माया कहो या अज्ञान कहो बातें की है, तो ये माया क्या है कैसी है, या कहो अज्ञान क्या है कैसी, वही तो इसमें समझा रहे। फिर से सुनो, अज्ञानम तू सद असद भयाम, अज्ञान कैसा है भी नहीं भी, अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम, वचन का विषय नहीं और त्रिगुण इसमें रहते हैं, ज्ञान विरोधी, ज्ञान का ये विरोधी। जैसे हम कहेंगे अंधकार प्रकाश का विरोधी है, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा,
अंधकार कभी प्रकाश को मिल नहीं पाया आज तलक। न जानना और जानना कभी एक जगह में नहीं रहते, अंधेरा और प्रकाश एक जगह में नहीं रहते, तो ज्ञान और अज्ञान एक जगह में नहीं रहते। तो जहां ज्ञान है वहां अज्ञान नहीं है, और जहां अज्ञान है तो मतलब ज्ञान नहीं है। तो ये अज्ञान का स्वरूप क्या है? अज्ञान ज्ञान जो का विरोधी है उसी को हम अज्ञान कहते हैं। भाव रूपम, भाव रूप है ये, माने इट इज जस्ट इन योर माइंड। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। ये एक प्लास्टिक की टब्बी है जिसमें कोई गोलियां हैं, इस गोली का क्या नाम है? सारे मिलके एक स्वर से बोलो, हमें मालूम नहीं है। अच्छा इस गोली का नाम है कंठ सुधारक वटी। क्या नाम है? तो इस गोली के विषय में जो अज्ञान था वो कहां गया? ऊपर गया, नीचे गया, बाएं गया, दाएं गया, कहां गया, कहां चला गया? है ही नहीं, पहले था फिर नहीं हो गया। तो यही तो कह रहे सद असद भयाम, है भी और नहीं भी। अभी आप कहते हो ब्रह्म क्या है, मालूम नहीं, हुआ ज्ञान, और जब होगा ज्ञान तो कहोगे अब ब्रह्म पता है कौन है। तो ब्रह्म के न जानने का अज्ञान कहां चला जाएगा? बोले ये तो राम जाने, हमें क्या पता कहां गया, आया कहां से था, जब यही नहीं पता तो गया कहां, कैसे पता चले? वाह, भाव रूपम यत किंचित इति वदंती। ये बोलने में तो नहीं आता लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ तो हमको कहना पड़ेगा, क्योंकि आप भी अज्ञान में ही तो पूछ रहे हो ना कि ये क्या है और ये दूर कैसे होगा। तो आपके इस अज्ञान को दूर करने के लिए हम किंचित वदंती, अब कुछ तो बोलेंगे हम, और जो हम बोलेंगे और जिसको श्रवण करके तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा उसी को ज्ञान कहते हैं, और जो दूर हो जाएगा उसी को अज्ञान कहते हैं। अहम अज्ञान इति आदि अनुभवात्, मुझे ये मालूम नहीं है, ये अनुभव सबको है कि नहीं है? अब जो मैं बोल रही हूं अगर ये बात समझ नहीं लग रही है तो ये भी आपका ही अनुभव है ना कि ये समझ नहीं लग रही है, या समझ लग जाए तो आप ही कहोगे कि ये अब समझ लग गई है। तो इस समय जो तुम्हारे जानने में आ रहा है कि नहीं मालूम, इसी को अज्ञान कहते। आई डोंट नो, और उसके बाद जब तुम्हारा मन कुछ गड़बड़ करके कुछ का कुछ बना देता है, कुछ का कुछ महसूस करवा देता है, विपरीत ज्ञान खड़ा कर देता है, असत्य ज्ञान खड़ा कर देता है, जैसे अपना स्वरूप तो पता नहीं, कब भूल गए, कैसे भूल गए मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे मन ने तुम्हें बड़े अच्छे से समझा दिया ये शरीर तुम ही हो, इसी देह को मैं कहते रहते हो। एक संत कह रहे थे, कहते हमारा एक बार जन्मदिन था और हम अपने गुरुजी को प्रणाम करने गए, तो हमने तो नहीं कुछ कहा कि जन्मदिन है, पर हमारे किसी गुरु भाई ने बोल दिया कि गुरुदेव आज इनका जन्मदिन है। तो कहते हमारे गुरुजी बहुत सीरियस होके गंभीर होके कहते हैं, देखो तुम अपने माँ बाप को भी ये तुम्हें यकीन न दिलाने दें कि तुम्हारा जन्मदिन है, तुम तो अजन्मा हो,
तुम तो अशरीरी हो, तुम तो देही हो, तुम तो आत्मा स्वरूप हो, आत्मा का कब जन्म हुआ? नॉर्मली जन्मदिन हो ना तो 70-75 साल का भी बुढ़ा बुढ़ी केक ऑर्डर करके, मुंह में नकली दांत लगा के, केक पे मोमबत्ती लगा के फूकने को तैयार होते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रही 95 साल की एक माता, फूक लगी माँ ने बुझे नहीं मोमबत्ती, फिर मारी फूक बुझे नहीं, फिर मारी फूक तो नकली जबड़ा केक पे जाके गिर गया। मतलब 95 में भी मन तो बच्चा ही है अभी, तो मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है और कोई हैप्पी बर्थडे नहीं कहे तो दुखी हो जाते, मेरा बर्थडे किसी ने बोला ही नहीं, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता है, हमारा बर्थडे किसी ने सेलिब्रेट ही नहीं किया, हमें तो कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। वेदांत ज्ञान क्या कहता है? तुम तो नित्य स्वरूप हो, तेरा जन्मदिन कौन सा? लेट्स से ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन देवता हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं, राइट? तीनों का हैप्पी बर्थडे मालूम नहीं है। किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी पुराण में नहीं है कि विष्णु किस दिन पे, राम का जन्म है, कृष्ण का जन्म है, लेकिन शिव जी का हैप्पी बर्थडे कब है, शिव का जन्मदिन कब है, विष्णु का कब है, ब्रह्मा का कब है, कुछ पता नहीं। तो वो क्या साबित करते हैं कि ये तो नित्य ही ऐसे ही हैं। और आपको वेदांत ज्ञान ये कह रहा है कि शिव और ब्रह्मा और महेश की ही न्यायी ठीक उनके ही जैसे तुम्हारा भी जन्म कभी हुआ ही नहीं है। मुझात्मा का कौन माँ और कौन बाप? कोई नहीं। जब मन के साथ स्वयं को जोड़ के देखते हैं, मन और मैं, माने मन और आत्मा को जब जोड़ के देखते हैं तो इसी को कहते जीव। तो जब तक तुम जीव हो तो फिर कहना पड़ता है ईश्वर ही तुम्हारा माता पिता है, ईश्वर से ही तुम पैदा हुए हो। पर यहाँ हम जीव की बात नहीं कर रहे, मन को हटा के, मन के रहित, बुद्धि के रहित, चित्त के रहित, अहंकार के रहित, अंतःकरण नहीं, बिना अंतःकरण के जो तुम हो, शुद्ध आत्मा, उसका ना माँ है ना बाप है कोई, तो जन्मदिन कैसे हो सकता? अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, श्री कृष्ण कहते। ये वो अपनी ही बात कर रहे हैं कि वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम ना किसी के द्वारा मारे जा सकते हो और ना ही तुमको कोई मार सकता है। हाँ, वो अपनी बात थोड़े कर रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं। अच्छा, वो अर्जुन को ही कह रहे हैं कि हम सबके लिए भी कह रहे हैं? अर्जुन के बहाने से उपदेश हुआ है, ऋषि वेद व्यास ने उसको लिख दिया महाभारत में, गीता उसी का भाग है और वो गीता हम पढ़ते हैं। तो हम आज के अर्जुन हो गए, तो हम आज के अर्जुन के लिए कृष्ण कह रहे हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो। तुम शाश्वत हो, तुम नित्य हो, तुम पुराने हो, पुराने पुराने हो। कब से हो? बोले मालूम ही नहीं कब से, काल बाद में हुआ, काल कल्पना है। अच्छा, इस समय यहां क्या बजा है? 5:27। अमेरिका में इस समय क्या बजा होगा? 11 घंटे पीछे कर लीजिए, लंदन 4.5 घंटे पीछे कर लीजिए, और वो चेंज होता रहता, कभी 4:30 कभी 5, दुबई 3-2.5 घंटे पीछे कर लीजिए, और ऑस्ट्रेलिया तो कहीं समय आगे हो रहा है, कहीं पीछे हो रहा है, कहीं आगे हो रहा है। वो पृथ्वी की जिस लोकेशन पे है सूर्य के हिसाब से वहाँ टाइम की कैलकुलेशन होगा, तो 11 घंटे 9 घंटे 8 घंटे सब पीछे पीछे।
Thank you.